नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हालचाल है आपके? सर जी, हम तो कतई जहर। सोनीपत, कटिहार, रांची, भागलपुर, शास्त्री नगर, भोपाल, तिनसुखिया, मुरादाबाद और अबुलेन, कुरुक्षेत्र और हमारे तमाम सेंटर्स का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जीएसटी की कथा अब शुरू होने जा रही है। आस पड़ोस में झांक कर देख लो, कहीं कोई बाहर छूट तो नहीं गया है। और ये बताओ, आप लोग ऐसे आ जाते हो या नहा कर आते हो? वैसे क्लास का नियम यह है कि आपको डेली नहा कर आना चाहिए। अब तो थोड़ी सर्दियों का भी उतना इफेक्ट नहीं रह गया है। हम भी आ गए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हम जो चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा सा उस पर अगर नजर डाल लें तो कैसा रहेगा, बताइए जरा। सर जी, रहेगा तो बहुत अच्छा। तो चलो आ जाओ, जैसे आपकी इच्छा के अनुरूप ही हम काम करके चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें देखी थी, जो नई नई बातें देखी थी वो बेसिकली यहां से निकलकर आ रही थी कि पुराने सिस्टम के अंदर हमारी क्या क्या बातें हुई थी, कि पहले इंट्रा, इंटर और इंटरनेशनल तीन प्रकार के लेवल पर टैक्सेस की बात होती थी। पुराने सिस्टम में 17 तरह के टैक्सेस आपके लगाए जाते थे, जिनको खत्म करके जीएसटी लाया गया। जब जीएसटी आया तो अपने साथ क्या क्या बदलाव लेकर आया। मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, इन लोगों को कहा जाएगा आगे से सप्लायर। और जो मल्टीपल लॉ, मल्टीपल कंप्लायंसेस, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, ये सब जो हुआ करती थी, ये सब सिंगल वर्ड सप्लाई वर्ल्ड के अंदर आपकी आ गई है। उसके बाद में कास्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन जो पहले हुआ करते थे, अब वो नहीं रह गए हैं, वो भगवान को प्यारे हो गए हैं। इंटरनेशनल लेवल जो था, आज से उस लेवल को भी हम इंटर स्टेट के नाम से ही बुलाएंगे। फिर चर्चा चली कि भाई आखिरकार जीएसटी क्या है। तो जीएसटी कुछ और नहीं, एक टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन इसकी जो बैकबोन है, जो टैक्सेबल इवेंट है, जो घटना है, जो कार्यक्रम है, वो है सप्लाई का। गुड्स या सर्विस की सप्लाई अगर होगी तो जीएसटी लग जाएगा। सप्लाई दो प्रकार की हो सकती है, एक सप्लाई इंट्रा हो सकती है और एक इंटर हो सकती है। इसमें बॉर्डर बीच में आ जाता है। अगर सप्लाई के ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में कोई किसी प्रकार का बॉर्डर आता है, बॉर्डर चाहे स्टेट का हो, दो स्टेट के बीच का बॉर्डर हो, दो यूनियन टेरिटरीज के बीच का बॉर्डर हो, दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर हो, या स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच का बॉर्डर हो, बॉर्डर अगर आ गया तो इंटरस्टेट, आईजीएसटी लगाया जाएगा। आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से सीजीएसटी पोर्शन अपने पास में रख लेगी, और बैलेंस एसजीएसटी का है तो उस कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट को, जो कंज्यूमिंग स्टेट है, उसको दे देगी, और अगर यूटीजीएसटी तो अपने पास ही रिटेन कर लेगी इन द डिफरेंट पॉकेट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जीएसटी का सीन क्या रहता है? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बेसिकली अगर मान लीजिए ओवरसीज कस्टमर के ऊपर लोड पड़ेगा तो उसका पैसा यहां हम ले लें जीएसटी का, तो क्या हम विदेश में जाकर सड़कें बना सकते हैं, विकास कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इसलिए ध्यान रहे, जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे जीएसटी की चर्चा नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां जीएसटी लिया जाएगा। इस बात को मैंने अच्छे से कल आपको समझाया भी था, और जो हमारा इम्पोर्टर है उससे यहां पर जीएसटी सरकार लेकर चलती है। इतनी बातें हमारी हो चुकी थी। इंट्रा और इंटर का पूरा गेम हमने खेला था, जो अलग अलग प्रकार के आपके लॉ बने हुए हैं उनकी जानकारी दी गई। जीएसटी के अलग अलग रूप हैं। सीजीएसटी एक लॉ बना हुआ है, एसजीएसटी 31 टाइप के एसजीएसटी हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 31 तरह का एसजीएसटी एक्ट बना हुआ है। यूटीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, तो तमाम यूनियन टेरिटरीज के लिए एक बना हुआ है यूटीजीएसटी, एक आईजीएसटी बना हुआ है। एक था कॉम्पनसेशन सेस, कि जब स्टेट डर रहे थे जीएसटी के आने से, डर इसलिए रहे थे क्योंकि कुछ सेंटर ने और कुछ स्टेट ने, दोनों ने अपने अपने हिस्से के टैक्सेस छोड़ दिए थे, और फिर उनकी जगह पर जीएसटी आएगा, आधा जीएसटी सेंटर और आधा जीएसटी स्टेट रख के चलेंगे। तो स्टेट को डर था कि वो जो पुराने सिस्टम में जितना कमाते थे, ऐसा ना हो कि उनकी कमाई कम हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें आश्वासन दिया, अश्योर किया कि हम आपकी कमाई, एनुअल जो कमाई है, कम नहीं होने देंगे। अगर कम हुई तो जितनी कम हो रही है उतना तक हम आपको कॉम्पनसेट करके चलेंगे।
इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो पैसे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स पर, मोटर कार, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा, टोबैको, इनके ऊपर कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया। जैसे हम कार की बात करते हैं, कार जब खरीद के लाते हैं तो 28% का 28% का जीएसटी जाता है और 15% जाता है आपका कॉम्पनसेशन सेस। तो इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा, कॉम्पनसेशन सेस ऑलवेज पेबल टू, कॉम्पनसेशन सेस ऑलवेज पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पेबल हो जाएगी कॉम्पनसेशन सेस, तो इसका भी बंटवारा आधा आधा किया जाएगा क्या? ना, आंसर इज नो, इसका बंटवारा आधा आधा नहीं होगा। इससे जो फंड बनेगा, उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा उन वाले स्टेट्स को पैसा देने के लिए जिनको जीएसटी में नुकसान हुआ है, जिनका रेवेन्यू जीएसटी में कम हुआ है, जितना कम हुआ है उतना उस स्टेट को वहां पर दे दिया जाएगा। इसके लिए अलग से एक एक्ट बना दिया गया, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017, और उसके बाद जीएसटी को लाने के लिए संविधान में ढेरों चेंजेस करने पड़े थे, तो उन चेंजेस के लिए, जितने भी चेंज हुए हैं, तो उनके लिए भी एक एक्ट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये पूरा लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया जीएसटी का, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता होता है वो आपको भी पता है, पर इसमें से आपका जो सिलेबस है सीजीएसटी के 1 से लेकर 53 तक के सेक्शन ओनली आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दीजिएगा, अब हम क्रेडिट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। क्रेडिट कॉन्सेप्ट के अंदर अब तक हम इतना जानते हैं कि हमारी इनवार्ड सप्लाई पर, हमारी जो भी बिजनेस परचेजेस हैं, उनके ऊपर जो भी हम जीएसटी पे करके आ रहे हैं उसे इनपुट टैक्स कहा जाता है, और वही हमारा आईटीसी में तब्दील हो जाता है, और उस आईटीसी को, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को, हम इस्तेमाल करते हैं अपने आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। लेकिन पेमेंट करने के कुछ अपने नियम कानून होते हैं, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ कायदा है, कुछ कानून है। उसी कायदे कानून को देखने के लिए हम आपके साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जी, थोड़ा वॉल्यूम की दिक्कत लुधियाना रहती है, अपने लोकल में चेक कराना बाबू लुधियाना जरा। हाँ जी, 15% सेट 28% में इंक्लूड है क्या? नहीं, गाड़ियां खरीदते समय 28% का जीएसटी होता है प्लस 15% का सेस, तो 43% के टैक्सेस अल्टीमेटली लग जाते हैं कारों के ऊपर, ऐसे करके। ठीक है, चलें आगे, चलें बाबू, चले आगे। पहले बोलो यो, और कमर सीधे। ओ भाई साहब, ओ बाबू जी, अरे सीधा बैठ जाओ, सीधा तुझसे कह रहा हूं, तुझसे कह रहा हूं, सीधा बैठ। हाँ जी, ठीक है सर जी, ओके। वहां पर कास्केडिंग होता है या अलग अलग? अलग अलग। कास्केडिंग नहीं होता, जैसे मान लीजिए कार का बेस प्राइस 10 लाख रुपए का है, तो 10 लाख का 28% जीएसटी आ गया 2,80,000 रुपए का, है ना। अब जो 15% का सेस लगेगा, 10 लाख पे लगेगा या 1,280 पे लगेगा? बोलो, 10 लाख या 1,280? बाबूजी 10 लाख पे, मैंने ऐसे थोड़ा लिख दिया कि कास्केडिंग मिट गया है। अगर 1,280 पे लगता तो फिर वही समस्या हो जाती पिछली वाली, तो यहां कास्केडिंग ना के बराबर है, ये मान के चलो है ही नहीं। ठीक है, तो वो बेस प्राइस पर ही दोनों की कैलकुलेशन की जाती है, जिस वैल्यू पर जीएसटी कैलकुलेट होता है वही इच्छा वाली वैल्यू पर आपका कॉम्पनसेशन सेस भी एप्लीकेबल होता है। आगे बढ़े। हाँ बोलो, हाँ तुम नहीं भी कहोगे तब भी मैं आगे बढ़ूंगा। क्रेडिट कॉन्सेप्ट की हम बात करने के लिए मालिक जा रहे हैं। यहां डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात बताऊं, सर क्लियर नहीं है बुक, और ऐसे की तैसी ले। अब तू खुश है? अब खुश है, अब क्लियर हो गई बुक? हाँ जी, अब तू चाहता है कि मैं कोने में चुपचाप पढ़ा रहूं है, और तू बस किताब देखता रहे, तू ये चाहता है, रहने दे, बात मत कर मुझसे। तू मैं किताब में रीड कराने की बजाय लिखने में थोड़ा ज्यादा विश्वास करता हूं। आइए देखते हैं, लिख लिख कर बात करेंगे मालिक। और हाँ, आपके खुशी के लिए बता दूं, मैंने आज सुबह पहले चैप्टर की समरी तैयार कर दी है, आपके पहले चैप्टर की समरी तैयार कर दी है, और जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते चले जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको वो समरी अपलोड करता चला जाऊंगा। तो पहला चैप्टर देखा जाए तो कितने पेज का है ये? आपका ये है करी करी 15 पेजेस का है, तो 15 पेजेस की समरी 5 पेजेस में मैंने आपके लिए बना दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मालिक। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? मैंने बताया बाबू, कल भी बताया था, आज भी बता दूं, जीएसटी जब आया तो संविधान में कुछ परिवर्तन करने पड़े थे, तो उन्हीं परिवर्तन को एक एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया कि हमने ये पॉइंट ऐसे किए हैं। अच्छा, आ रहा हूं पलवल क्रेडिट की ही बात करने के लिए जा रहा हूं, अब सुनो मेरी बात।
आप मुझसे एक वादा करो, हाथ आगे बढ़ाओ, कसम खाओ आप एक, कि जब तक मैं बोला करूं तब तक आप चुप रहेंगे, और जब आप बोलोगे तो मैं चुप रहूंगा, वन बाई वन, ठीक है ना। वरना क्या होता है कि मैं यहां कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप उधर लिखने में लगे पड़े हो, ना तो मैं आपकी बात सही समय पर देख पाऊंगा और ना ही आप मुझे सुन पाओगे। तो मैं कहीं भागा थोड़ा जा रहा हूं यार, आप ही के साथ तो हूं, लाइव का मजा ही तो ये है, तो पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर आपकी बात सुनूंगा, ठीक पक्का। चलो करनाल, तो यहां देख क्लास नंबर 3 है और आपका ये आ गया जी यहां पर क्रेडिट कॉन्सेप्ट। बड़े प्यार और इत्मीनान से आपके लिए हम चलते हैं क्रेडिट कॉन्सेप्ट की तरफ। बाबू मेरे देख, तो अच्छे से जानता है इस बात को कि जब भी एक सप्लायर होगा, सप्लायर, अब मैन्युफैक्चरर को भी सप्लायर बुलाते हैं, ट्रेडर को भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी सप्लायर बुलाते हैं। ये बंदा यहां से लेकर आता है अपनी एक इनवर्ड सप्लाई लेकर आता है ना, और यहां से ये अपनी आउटवर्ड सप्लाई बाबू कर देता है ना, आउटवर्ड सप्लाई अपनी ये कर देता है इनवर्ड सप्लाई से। हाँ, अगर आपको लिखने का ज्यादा वो है कि मुझे टाइपिंग करनी है, टाइपिंग सीखनी है, तो मुझसे आगे आगे चला करो, यहां पर मेरे साथ में, कॉन्ट्री नहीं, मेरे साथ में। हाँ, चंडीगढ़ आपके मैसेज आ रहे हैं। तो जो इनवर्ड सप्लाई है, इससे किसका जन्म होता है, तो यहां आप फटाफट टाइप कर सकते हैं, और यहां जन्म होता है इनवर्ड सप्लाई में, जो भी आपका जीएसटी लगकर आ रहा होगा उस वाले जीएसटी को हम लोग बुलाते हैं इनपुट टैक्स के नाम से बुलाते हैं, और इनपुट टैक्स ही आगे चलकर तब्दील हो जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर वो आ जाता है। ठीक है सर जी, काकड़गुजी टाइम से आया करो, इनपुट टैक्स ही आईटीसी बन जाता है। लेकिन जीएसटी का जो इनपुट टैक्स है, जीएसटी के अलग अलग रूप होते हैं, एक सीजीएसटी भी होता है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। तो जीएसटी कौन सा वाला जीएसटी, जब परचेस करके लाओगे तो बिल में कौन सा जीएसटी लगा हुआ होगा, हो सकता है वो जीएसटी के नाम पर सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ऐसे करके आएगा, है ना। तो जो हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, तो इन्हीं का हमें मिल जाता है क्रेडिट, कि सीजीएसटी का क्रेडिट है या एसजीएसटी का क्रेडिट है या यूटीजीएसटी का क्रेडिट है या आईजीएसटी का क्रेडिट है। ठीक है, मैं भरोसा दिलाता हूं आपको, अगर आप बातें ध्यान से सुनते रहे ना, सब एक क्वेरी नहीं आने दूंगा, इतना भरोसा करना मेरे ऊपर, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा चाहिए होगा। यहां आ जाओ, यहां पर आकर भी आपका ये जीएसटी लगाया जाता है, इस वाले जीएसटी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका आउटपुट टैक्स होता है तो ये जीएसटी ही, तो इसकी भी अलग अलग फॉर्म हो सकती हैं भाई, ये हो सकता है कि सीजीएसटी हो सकता है ये एसजीएसटी हो सकता है ये यूटीजीएसटी हो सकता है कि ये आपका आईजीएसटी हो, है ना। हाँ सर जी, दूसरा आप ये भी जानते हैं कि ये जो आपका क्रेडिट होता है, इसे आप यहां पर आकर यूज करते हो, आप अपने इस क्रेडिट को यूज ऑफ आईटीसी किया जाता है यहां पर आकर, इज इट ओके। हाँ सर जी, जैसे मान लेते हैं कि आपका आउटपुट टैक्स बनता था यहां 20,000 रुपए का और ये बनता था आपका 5,000 रुपए का, तो आप 5,000 रुपए को यहां पर इस्तेमाल कर देते हो और बाबूजी फिर आपका 15,000 का यहां पर बैलेंस बच जाता है। अब तक आप ऐसा ही समझते आए हैं और पढ़ते आए हैं, लेकिन अब इसमें मैं एक नई बात ऐड करने के लिए जा रहा हूं कि ये जो जीएसटी के अलग अलग फॉर्म बनी हुई हैं, यहां आईटीसी को यूटिलाइज करने के लिए इसको नियम है, कुछ कानून है, नियम ऑफ यूज ऑफ आईटीसी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई ऐसे नहीं कि सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया, कुछ नियम कानून है। क्या है वो नियम कानून, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तरफ रख देते हैं हम आईटीसी को और दूसरी तरफ रख देते हैं अपने आउटपुट टैक्स को। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूं, ये है सी और सी आई एस और ये है सी आई एस, ऐसे करके। सी का मतलब सीजीएसटी, एस का मतलब एसजीएसटी और आई का मतलब आईजीएसटी, सी आई एस, सी आई एस। ठीक है जी, अब यहां पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताना क्या सीजीएसटी का क्रेडिट
सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो जाना चाहिए या नहीं, यस और नो? यस, मेरा गाजियाबाद मेरा बच्चा। यहां पर आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो जाना चाहिए या नहीं, यस और नो? अच्छा, प्रयागराज कहता है, कुछ लोगों का सर फर्स्ट डे है, आईटीसी का क्रेडिट समझा दीजिए। बाबू, जिनका फर्स्ट डे है वो अपने उन बच्चों से पूछ कर देखें जो पहली क्लास से बैठे हुए हैं, क्या पास्ट में जाना पॉसिबल होगा? द आंसर इज नो। तो जिनका आज पहला डे है या दूसरा डे है, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने यूट्यूब पर पहली और दूसरी क्लास यूट्यूब चैनल पर मेरे पर डाली हुई है, आप उनको जरूर जरूर कर ले मालिक। मतलब एक एक बेस बिल्डिंग है वहां से, छोटी छोटी बातों से मैंने चीजों को उठाया है, तो आप वो जरूर जरूर कर लें, ठीक है? जिनका आज डे वन है वो पहली दूसरी क्लास यूट्यूब से जरूर कर लें, राइट? ओके जी। यहां पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पास्ट में जाके बैक में जाके बताऊं बाबू, बड़ा हौच पौच हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, क्या एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? द आंसर इज यस। उसके बाद आगे बताना, जरा आगे बताना। क्या सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो जाना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? लॉजिक पता है तो सही बोलोगे। हाँ सर, ये पता है आपका यस क्यों आया? क्योंकि आप जानते हो कि आईजीएसटी इज नथिंग, ये तो लिफाफा है, इसके अंदर मसाला जो है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का भरा हुआ है, इस कारण से इस्तेमाल हो सकता है। चलो, क्या सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? क्या सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? यस और नो? द आंसर इज नो, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल अलग अलग हो गए, ये नहीं हो सकता। सॉरी वो नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट। अब क्या यहां पर ये जो आपका एसजीएसटी है, यहां तो इस्तेमाल हो गया, क्या एसजीएसटी आपका आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, यस और नो? आपका आंसर यस में आएगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि हाँ यार, इसमें एसजीएसटी कंपोनेंट होता है। ग्रेट। उसके बाद अब मुझे एक बात और बताइए, क्या एसजीएसटी सीजीएसटी के पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, यस और नो? सर, नहीं हो सकता, बिकॉज लेवल चेंज यहां पर हो जाता है। आप ये मत मानना कि मैं आपका सेस नहीं देख रहा, हर सेंटर का सेस मुझे पता है, पर मैं बार बार सेस पे कमेंट करूंगा तो हमारा ध्यान यहां से भटक जाएगा, ठीक है ना? तो आप करते रहें, मेरी नजर वहां एक रहती है हमेशा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, क्या आईजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, यस और नो? हाँ, हो सकता है, ठीक बात है जी। क्या आईजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता? द आंसर इज यस, हो सकता है। वेरी वेल डन। तो आपने यहां पर ये चित्र बनवा दिया पूरे लॉजिक के साथ में। अब मैं काम करता हूं, देखो कभी गलती से आपको लॉजिक फटाफट से अगर कोई चीज पता करनी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिना दिमाग लगाए तो देखना, इधर देखना ध्यान से जरा, मैंने क्या किया, ऐसे 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 और ऐसे, खत्म। अपने आप वो सारी चीज बन गई जो अभी आपने यहां पर बताई है। अब अगला पॉइंट आता है कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन सा क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे, फिर कौन सा क्रेडिट इस्तेमाल किया जाएगा। तो बच्चे, मैं आपको बता दूं, यहां पर आकर नंबर वन पर हम इसे इस्तेमाल करके चलेंगे, आईजीएसटी को इस्तेमाल करके चलेंगे, जिसमें दोनों मसाले भरे हुए होते हैं। उसके बाद में फिर हम सीजीएसटी को हाथ लगाएंगे, और उसके बाद नंबर तीन पर आकर हम एसजीएसटी के क्रेडिट को हाथ लगाएंगे। ये सीक्वेंस हमें बताया हुआ है, ऐसे करके यहां पर बात करी जानी है, ठीक है जी। अब इसमें भी एक चीज निकल के सामने आती है। अच्छा, यूटीजीएसटी नहीं है सर, चिंता मत करो, यूटीजीएसटी भी आएगा, लेकिन टाइमिंग हम बताएंगे, क्योंकि इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। कौन सी चीज कब बतानी है वो हम डिसाइड करेंगे, बाबा डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो अब यहां पर हमें ये तो पता लग गया कि साहब आईजीएसटी सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, पर आईजीएसटी के भी तीन शाखाएं बनी हुई हैं, ये तीन एरो जा रहे हैं, यहां भी यहां भी यहां भी,
तो इंटरनली ये पहले किस में जाएगा, फिर किस में जाएगा? तो आईजीएसटी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने के लिए जाएगा, सीजीएसटी के लिए जाएगा, एसजीएसटी के लिए जाएगा। तो इनका इंटरनल सिक्वेंस क्या होगा? बाहरी सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया, इंटरनल सिक्वेंस क्या होगा वो यहां पर ये बताया जाता है। अच्छा, शुरुआती दौर में जब जीएसटी आया था तो वहां पर ये 1-2-3 वाला सीक्वेंस नहीं था, लेकिन फिर ये सीक्वेंस आपका बनाकर दिया गया और पहले इसको ठिकाने लगवाया गया क्योंकि इसमें दोनों का होता है। तो पहले कॉमन क्रेडिट को इस्तेमाल करवाया गया, और क्योंकि देखा जाए तो आईजीएसटी का इस्तेमाल ज्यादा हो सकता है, मतलब किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, फ्रीली यूटिलाइजेबल है। इट कैन बी सेड कि आईजीएसटी कैन बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ जीएसटी, इसलिए सबसे पहले धार पे इसको रखवा दिया गया। खैर, तो मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिएगा, ठीक है? आर यू रेडी? यस सर। तो नंबर वन के मुताबिक मैंने यहां पे पकड़ा इसे कि क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी विल बी यूटिलाइज्ड किसके लिए? बोलो बाबू, आप थोड़ा लिखवाइए। यूटिलाइज्ड सबसे पहले ए फॉर द, आपको जो समझ में आता है लॉजिकली ठीक लगता है, फॉर द पेमेंट ऑफ व्हाट? सर, फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। दैट्स ग्रेट, बेहतरीन जवाब। ये इंटरनल सीक्वेंस ए बी से मैंने कर दिया, और उसके बाद में फिर किसके लिए? अगला नंबर, फॉर द पेमेंट ऑफ, अब आप यहां झगड़ोगे, फॉर द पेमेंट ऑफ, अब आप यहां झगड़ोगे। कोई बोलेगा सीजीएसटी, कोई बोलेगा एसजीएसटी, है ना? झगड़ोगे कि ये यहां से दोनों के लिए जा सकता है, पर पहले किसके लिए जाए? सीजीएसटी एसजीएसटी में किसके लिए वो आगे बढ़े, यह एक चैलेंज आता है। तो पहले इसमें शुरुआती दौर में कई सारी दिक्कतें थी, और मैं तो ये कहूंगा कि शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर 50-50 इस्तेमाल होगा। आप ये सोच रहे हैं क्या? सर 50-50, आधा सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, आधा एसजीएसटी के लिए, क्योंकि इंटरनली इसमें रेशियो यही तो है, ये सोच रहे होंगे आप। पर लॉमेकर ने कहा कि यार इतना तक बारीकी से सोचेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उन्होंने आपको यहां बिल्कुल फ्री स्टाइल कर दिया, फ्री स्टाइल कर दिया, पूर्ण रूप से फ्री स्टाइल, जैसे कुश्तियां होती ना, फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल। वो कैसे? फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी ऑब्लिक एसजीएसटी इन एनी रेशियो। आहा, इन एनी रेशियो, पहले रेशियो का मतलब बताइए, एनी रेशियो का मतलब क्या? क्या पूरा का पूरा सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? यस। क्या पूरा का पूरा एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? यस। क्या आधा आधा इस्तेमाल हो सकता है? यस। क्या एक के लिए 10% दूसरे के लिए 90% हो सकता है? यस। एक के लिए 40 दूसरे के 60 हो सकता है? यस। जो मर्जी, एनी मीन्स एनी। पिंक मूवी देखिए, उसमें समझाया जाता है नो मीन्स सिर्फ नो, तो यहां पर भी एनी मीन्स एनी, यार फ्री स्टाइल, ठीक। इन एनी रेशियो एंड इन, अब आएगा सीक्वेंस कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी किसको देके चले, एसजीएसटी या सीजीएसटी? तो यहां पर भी फ्री कर दिया आपको। इन एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी रेशियो में, जो आपको लगे, जो तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, ये फ्री स्टाइल देने से जब एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा तो बच्चों का आंसर अलग अलग आ सकता है कि नहीं आ सकता? हाँ या ना? सभी का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है कि नहीं? हो सकता है कोई पहले सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल करे, कोई एसजीएसटी के लिए, रेशियो अलग हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले ही आपके आंसर अलग आएंगे लेकिन वो सभी आंसर सही होंगे, लॉफुली होंगे, करेक्ट होंगे। आगे बढ़े, यस। नंबर दो पर बताइए, अब नंबर दो पर किसका नंबर आ रहा है? फिर आ रहा है सीजीएसटी का, तो यहां लिखेंगे हम क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी विल बी यूटिलाइज्ड, विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ, बोलो जी, फॉर द पेमेंट ऑफ व्हाट? सबसे पहले यूटिलाइज्ड फॉर द
पेमेंट ऑफ, बोलो ना, बोले मिलो बच्चा, सीजीएसटी। नंबर दो सर, नंबर दो पर आएगा फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, है ना। और फिर सी पर क्या आएगा, फॉर द पेमेंट ऑफ सी पर, भुवनेश्वर कह रहा है एसजीएसटी, ऐसी की तैसी, डंडा लेके आई बेचारा। अरे बुड़बक, क्या सीजीएसटी दो के लिए, एसजीएसटी के लिए हो नहीं सकता, अपने के लिए और आईजीएसटी के लिए। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी, आगे आ जाओ नंबर तीन पर। अब आएगा क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ, बोलो बोले मिलो बच्चा, एसजीएसटी, और बी पॉइंट पर फॉर द पेमेंट ऑफ, फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात यहां तक की। मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा छोटा सा एक, समझने के लिए कि आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। दूसरी बात, यूटी जीएसटी का सीन कहां पर है, वो किसका रिप्लेसमेंट है, बताएंगे आप जरा। जब जब यूटी जीएसटी आता है तो क्या चीज गायब हो जाती है, टेल मी, यूटी जीएसटी किस चीज का रिप्लेसमेंट था? सर जी वो एसजीएसटी का रिप्लेसमेंट था। अगर वो एसजीएसटी का रिप्लेसमेंट था तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि एसजीएसटी का होता है, जैसे एसजीएसटी का होता है वही ट्रीटमेंट यूटीजीएसटी का भी करवाया जाएगा। तो मुझे बताइए सीक्वेंस के मुताबिक यूटीजीएसटी कौन से नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। और अगर तीसरे नंबर पे आएगा, एक दो तीन, बाबू मैं अगला नंबर भी तीन ही देने जा रहा हूं, मैं नंबर चार नहीं कर रहा हूं, उससे भी मैं नंबर तीन ही दे रहा हूं, क्योंकि एसजीएसटी का रिप्लेसमेंट होता है यूटीजीएसटी। तो जरा लिखवाइए क्या होगा उसमें, इवन ये एरो भी बता देगा, यूटीजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और यूटीजीएसटी आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, क्या यूटीजीएसटी सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्या यूटीजीएसटी सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रहा हो पर पॉकेट डिफरेंट होती है, खजाना डिफरेंट होता है, इसलिए यूटीजीएसटी प्योरली बिहेव लाइक एसजीएसटी बिकॉज ये एसजीएसटी का रिप्लेसमेंट है। तो क्रेडिट ऑफ यूटीजीएसटी विल बी यूटिलाइज्ड फॉर, किसके लिए बोलो, सर यूटिलाइज किया जाएगा नंबर ए पर आकर, फॉर द पेमेंट ऑफ, बोलो यूटीजीएसटी, शाबाश मेरे बच्चा, और फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ऐसे इसको करवा दिया जाएगा, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलो अब हम देखना चाहते हैं, अच्छा जितनी बातें मैंने लिखवाई हैं क्या इन सभी बातों को आप अभी के अभी खड़े होकर क्लास में सुना सकते हो कि क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कैसा होता है? भाई तुम विश्वास मानना मेरी बात का, वरना मार्केट में जाके टेस्ट कर लेना, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपने यूं समझ लिया, यू आर जीनियस, इंटेलिजेंट हैं आप। यस सर, मैं बोल रहा हूं क्रेडिट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूटिलाइज द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी, एंड द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी विल बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एंड सेकंड फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी इन एनी सिक्वेंस एनी रेशियो। सेकेंडली द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी विल बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एंड आफ्टर दैट फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एंड द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी विल बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी एंड फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, है ना। एंड सिमिलरली यूटीजीएसटी का क्रेडिट भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेदर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए नो, सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए नो वे। क्वेश्चन करते हैं, आइए एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, और क्वेश्चन क्या है जरा मैं यही रख देता हूं ना, डेटा मेरे पास ऊपर था ना, ये डेटा मैं यहीं पर रख देता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर, कि मान लीजिए यहां पर ये था आपका, ये था 10,000 का
और 20,000 और 15,000, 10,000, 20,000, नहीं CGST और IGST, CGST था 10,000 और आपका जो IGST है वो 20,000 है, IGST 20,000 था और आपका जो SGST है वो है 15,000 का, SGST 15,000 का है। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल ITC था 20,30,40,45,000 का था। और इधर देखें आउटपुट टैक्स की अगर हम बात करें तो CGST था आपका 22,000 का। अब मैं इस डेटा को यहां से मिटा देता हूं, इसकी आवश्यकता नहीं मुझे। ये मेरा 22,000 रुपए का था और जो IGST वो मेरा 5,000 रुपए का है, 5,000 का है, और SGST मेरा 16,000 का यहां पर बताया गया है। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, मुझे बताइए। कितना क्रेडिट इस्तेमाल हो जाएगा, क्या कोई क्रेडिट बैलेंस बचेगा, या कितना पैसा मुझे कैश में भरना पड़ेगा, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन में ITC आपके पास में ये रहा, CGST का ITC ये रहा, SGST का ITC ये रहा, IGST का ITC ये रहा, आउटपुट टैक्स में आपके ये रहे, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। वो सब इंटरनली एडजस्ट कर लेते हैं बहरामपुर, और ये टोटल बन गया हमारा जी 22,28,43। एक बच्चा कह रहा है सर जी 2,000 रुपए का बच जाएगा, ऐसे नहीं बोलना आपने 2,000 का। आपने ये नहीं करना कि 43 में से ये डायरेक्ट नहीं करना, जो नियम कानून सिखाए हैं उनके मुताबिक करके चलना है आपको, जो नियम कानून आपको सिखाए गए हैं उनके मुताबिक आपको आंसर देके चलना है, ठीक है। चेक करते हैं, आइए मैं एक टेबल बनाता हूं यहां पर आकर। टेबल में ऐसे बनाते हैं, यहां लिखेंगे आउटपुट IGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है। और इधर साइड में आएगा हमारा, यहां पर हम लोग बात करेंगे अपने क्रेडिट्स की। यहां आएगा हमारा क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ IGST, क्रेडिट ऑफ CGST एंड क्रेडिट ऑफ SGST, ये करके चलेंगे, ठीक है। क्रेडिट कितने कितने थे हमारे जी? सर जी हमारा जो क्रेडिट था वो 10,000 का तो CGST का था, इसका था 10,000 का, ठीक है। IGST का था 20,000 का, इसका था IGST का था 20,000 का, CGST का क्रेडिट था 10,000 का, और SGST का जो मेरे पास क्रेडिट था वो था जी यहां पर 15,000 का, इसका क्रेडिट बनता था। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो बनती थी वो IGST की थी मेरी 5,000 रुपीज की, और आउटपुट CGST जो मेरा था वो था मेरा 22,000 रुपए का, और आउटपुट जो SGST था वो 16,000 का था। चेक करो जरा कहीं कोई भूल चूक तो नहीं रह गई, सब ठीक लिखा ना मैंने डेटा, डेटा ठीक से रखा है कि नहीं। ठीक है, अब नियमों को याद करो। सबसे पहले हमें कौन से क्रेडिट को पकड़ना है? सर हमारे नियम ये कहेंगे सबसे पहले हमें इसको पकड़ना है IGST को, फिर हमें CGST का क्रेडिट पकड़ना, फिर हमें ये पकड़ना है, ठीक है। तो बताइए अभी क्या सीख कर आए हैं आप। क्रेडिट ऑफ IGST फर्स्ट टू बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ IGST, उसके बाद जो बचेगा वो CGST और SGST में किसी भी रेशियो में इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने 20,000 का क्रेडिट यहां से लिया, IGST के लिए इस्तेमाल किया, तो ये पूरा का पूरा यहां पर इस्तेमाल हो जाता है। तो इसका तो भैया हो गया बंटाधार, ये तो हो गया पूरा पेमेंट, लेकिन अभी आपके पास में IGST का क्रेडिट बचा हुआ है। कितना बचा है? 15,000। अब 15,000 का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? क्या आप इसके लिए अगेंस्ट 15,000 इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट कर सकते हैं, या किसी भी रेशियो में
किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, क्या कहते हो? हाँ सर, तो कुछ एक बता दो आप, जो आप बोलोगे मैं वो लिख दूंगा, जो रेशियो बोलो, जो सीक्वेंस बोलो, एक बता दो मैं, क्योंकि आंसर यहां पर अलग अलग हो सकते हैं सबके। सर पूरा सीजीएसटी में लगा दो सर, 12,000-3,000 कर दो। चलो ठीक है, मैं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, चलो मैं एक काम करता हूं, पूरा का पूरा सीजीएसटी में लगा देता हूं। मैंने पूरा सीजीएसटी के अंदर लगा दिया, 15,000 रुपए यहां पे लगा दिया, कोई आपत्ति तो नहीं ना किसी को? मैं चाहता तो 12 यहां 15 यहां 12 यहां 3 यहां या 3 यहां 12 जो मर्जी यार, यह फ्री स्टाइल है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक, अब मेरे पास जो बचेगा वो 7,000 यहां बच गया और 16,000 मेरा ये रह गया है। ओके जी, अब किसको पकड़ो? नंबर दो पर आइए, अब आपको पकड़ना है सीजीएसटी का क्रेडिट। याद कीजिए जो नियम बना हुआ है, सीजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद में वो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सीजीएसटी का क्रेडिट मेरा 10,000 रुपीज का बनता था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल करके चलूंगा। तो लेकिन मुझे यहां चाहिए कितना मात्र बताओ, मुझे यहां पर चाहिए कितना मात्र? सर 7,000 देना है, क्रेडिट पड़ा 10 का, तो मुझे 7,000 मात्र यहां पे चाहिए। तो 7,000 मैंने यहां पर ले लिया और ये मेरा आकर यहां पर निल हो जाता है। अभी मेरे हाथ में सीजीएसटी का 3,000 का क्रेडिट बचा हुआ है, तो मैं किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करूं? आईजीएसटी? सॉरी, आईजीएसटी तो है ही नहीं, बैलेंस ही नहीं बचा कुछ। हाँ होता तो इस्तेमाल कर पाता, पर वो है ही नहीं। तो क्या मैं अब वो 3,000 का बैलेंस यहां एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर दूं? यस और नो? शुड आई यूज द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी अगेंस्ट? नो सर, ये नहीं कर सकते, यहां पर यूज करना अलाव नहीं है। तो फिर मैं एक अगला कॉलम बना देता हूं, बैलेंस आईटीसी, बैलेंस आईटीसी जो कि मेरा कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए हो जाएगा। तो यहां पर यह बात हो गई कि 3,000 रुपए का सीजीएसटी का जो मेरा आईटीसी था वो मेरा यहां पर कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए हो जाएगा, अगले महीने का बैलेंस बन जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा निल हो ही चुका है यहां पर आकर और 16,000 मेरा ये यहां पर आ गया। अगला नंबर आता है एसजीएसटी का, तो एसजीएसटी मेरे हाथ में 15,000 रुपए है। तो सबसे पहले नियम याद करो, एसजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले एसजीएसटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बचता है तो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास में 15 था, 15 का 15 मैंने यहां पर इस्तेमाल कर लिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, तो मैं यूज कहां करूं? हाँ अगर बचता तो आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल कर सकता था, पर मजे की बात यहां पर यह भी नहीं है, क्या एसजीएसटी को सीजीएसटी के अगेंस्ट? ये नहीं कर सकते, नेवर। तो यहां पर ये मेरा निल हो गया, ये मेरा निल हो गया और ये मेरा 1,000 का बैलेंस यहां पर बच गया है। अभी जो 1,000 का बैलेंस बच गया है इसका पेमेंट कैसे करवाया जाएगा जी बताएं, इसका पेमेंट कैसे करवाया? सर जी ये कैश हमें पे करना पड़ेगा, ये कैश पेमेंट हमें करना पड़ेगा, आईजीएसटी का निल, सीजीएसटी का निल, लेकिन एसजीएसटी का पेमेंट हमें 1,000 यहां पे ऐसे करके करना पड़ जाएगा। तो 1,000 एसजीएसटी 1,000 का एसजीएसटी कैश में देना है और 3,000 का मेरा सीजीएसटी का क्रेडिट आगे के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। शुरुआती दौर में प्राइमा फेसी आपको यह दिख रहा था कि ओहो भाई साहब 43 का टैक्स है, 45 का क्रेडिट है, तो आपने कंसोलिडेट इस्तेमाल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इन नियम कानून के तहत ही इस्तेमाल करके चलना पड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक और बात आपको बताऊं, हां सर जी बताओ, चलो बाबू पहले यहां तक ओके करो, आप ओके है ना? ये मेरा पहला बैच है जिसकी एक सिंगल क्वेरी नहीं है पूरे डिस्कशन के अंदर, है ना? और मैंने कहा था कि पहले मुझे बोलने का पूरा मौका देना, आपकी क्वेरी नहीं बचेगी। अब एक और चीज से मैं आपको एनरिच करता हूं, सर ये 3,000 के बैलेंस का क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने का ये आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस आपका ये बन जाएगा, अगले महीने इस्तेमाल करके चलेंगे इसको हम। ठीक है ठीक है सर जी, अब मुझे एक चीज और बताइएगा, एक एंट्री पास करवानी है आपसे, ठीक है? अब लेवल धीरे धीरे मैं आपका बढ़ाता चला जाऊंगा, एंट्री बस परचेज की पास कराऊंगा। आप एक इनवर्ट सप्लाई लेकर आए हैं जिसमें बिल आपको ऐसे मिला था, 10,000 रुपए का ये बिल था, इसमें लग के आया था सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका लग के आया था, 900 रुपए का ये था, 900 रुपए का ये था, ऐसे करके आया था 11,800। बस आप मुझे इसकी एंट्री पास करके दिखा दो, एंट्री कैसे पास होगी मैं बताऊं आप क्या करोगे? आप करोगे सर इसकी एंट्री बड़ी आसान है सर, परचेज अकाउंट हम डेबिट कर देंगे नो डाउट, और सर हम आईटीसी को भी डेबिट कर देंगे,
ITC कितना हमारा सर जी 1800 वो डाल देंगे और तू कर देंगे अपना बैंक ऐसे करके। अब मुझे बताइए, जब इस एंट्री से आप अपने लेजर में पहुंचेंगे तो लेजर तो ITC का खुलेगा, कंसोलिडेट खुलेगा, क्या आपको ITC का रिकॉर्ड GST वाइज CGST, SGST, IGST अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस और नो? सारा GST बाइफरकेट करके रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? यस, क्योंकि यूटिलाइजेशन कंपोनेंट वाइज है, तो आपको ITC भी कंपोनेंट वाइज अपना रिकॉर्ड करना होगा। वो तब रिकॉर्ड होगा जब आपकी एंट्री सही से बनी हुई होगी। तो आप यहां क्लेरिफाई करेंगे कि भाई साहब किसका ITC? ITC डेबिट होगा मान लिया, लेकिन ITC ऑफ CGST आप ये क्लेरिफाई करेंगे डेबिट, ये आएगा 900। फिर यहां आएगा आपका ITC ऑफ SGST, वो डेबिट होगा, ये आएगा 900। ऐसे करके आप अपना एंट्री पास करके चलेंगे। सिमिलरली जब आप आउटपुट टैक्स की बात करके चलते हैं तो वहां पर भी आपको कंपोनेंट वाइज शो करना पड़ेगा। जैसे वहां पर मान लीजिए आपका ये 30,000 की यहां पर आपकी सेल होती है, इस पे लग गया आपका CGST प्लस SGST आपका लग जाता है, तो ये कितना हो गया जी 2700, ये आ गया 2700 आपका, ये आ जाता है तो 35,400 आपका यहां पर आ जाएगा। जब आप सेल की एंट्री पास करके चलेंगे तो एंट्री पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू सेल आपकी कर दी जाएगी, और टू अब तक लिखते आए थे आउटपुट GST, लिखो आउटपुट GST, कोई दिक्कत नहीं है, आउटपुट GST लिखो, लेकिन इसमें आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि आप कौन से वाले की बात कर रहे हो, CGST टू आउटपुट GST लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिससे कि आपके लेजर अलग अलग मेंटेन हो और जब आप यूटिलाइज करने बैठे IGST को तो आप उसे ठीक से इस्तेमाल कर पाए। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, प्रेम से बोलेंगे रात। तो GST को आपको कॉम्पोनेंट वाइज रिकॉर्ड करके चलना है और अकॉर्डिंगली आपने इसका इस्तेमाल करके चलना होगा। यस सर, चले आगे बढ़ जाए। अच्छा एक और बात लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो जरा। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कॉम्पनसेशन सेस, इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इसका GST से कोई वास्ता है या नहीं है। क्या ये आप जानते हैं कि GST का एक्ट अलग है और कॉम्पनसेशन सेस का एक्ट अलग है, हाँ या ना? हम कल पढ़कर आ रहे हैं, GST का अपना लॉ अलग है, कॉम्पनसेशन सेस का लॉ अलग है, ठीक है। अच्छा तो यहां पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है यहां पर आकर मैं हूं और मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज करता हूं जिस पर GST भी लग के आया था और कॉम्पनसेशन सेस भी लग के आया था, हालांकि मैं खरीदूंगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि मैं टोबैको खरीद रहा हूं या कोई और प्रोडक्ट ऐसा जिसके ऊपर कॉम्पनसेशन सेस का लोड आता है, तो यहां पर या लेके सुनो अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर है एक मोटर ड्राइविंग स्कूल जो कार चलाना सिखाते हैं, उन्होंने एक कार परचेज करी है, ठीक है। यहां आ गई वैल्यू ऑफ कार आ जाती है, वो थी 5,00,000 रुपए की। कार के ऊपर GST भी लगकर आता है और कार के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस भी लग के आता है। इसका रेट है 28% का, इसका रेट है 15% का। हालांकि रेट आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आपको रेट दिए हुए होंगे। जरा बताएंगे भाई कि 5,00,000 का 28% कितना आ जाता है जी? यह आएगा जी 1,40,000 रुपए का तो GST आ गया और 5,00,000 का ही इंटू 15 ये आ गया जी 75,000 आपका ये आ जाता है। तो 75,000 प्लस 1,40,000 और प्लस 5,00,000 ये आपका निकल के आ गया मालिक 722,500। इतने की आपकी कार आ गई, जैसे मारुति स्विफ्ट आ जाती है 7,22,000 में, तो कार की असल कीमत तो 5,00,000 ही थी, बाकी तो टैक्स लगे पड़े हैं उसके ऊपर। बंदा आगे अपनी एक सर्विस दे रहा होता है, सर्विस दे रहा है कि ये कार ड्राइव करना सिखाता है। यहां से इसकी कलेक्शन आई मान लीजिए 12,00,000 की इसकी कलेक्शन आती है, क्या इसके ऊपर
जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। ये सर्विस दे रहा, कार को बेच नहीं रहा है, कार चलाना सिखा रहा है, कार ड्राइव करने की ये एक ट्रेनिंग यहां पर दे रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो वैल्यू निकल के आई उसकी 12 लाख रुपए की, इसने सर्विस दे दी है। तो क्या यहां पर जीएसटी लगाया जाएगा? यस, जीएसटी का रेट यहां पर वही 18% का लगता है। तो ये आ गया जी अपना यहां पर 12 लाख इंटू 0.18 ऐसे करके आ गया 2,16,000 रुपए। 2,16,000 रुपए यहां पर ये जीएसटी आ जाता है आपका 14,16,000 रुपए। क्या इसके ऊपर भी कॉम्पनसेशन सेस ऐड किया जाता है? जी नहीं, यहां इस सर्विस के ऊपर, सर्विस पे तो किसी पर भी सेस नहीं आता है, कुछ एक सिलेक्टेड आर्टिकल्स पे ही आता है जी। तो यहां पर कोई सेस वेस नहीं आता है, नॉट एट ऑल जी। तो ये आ गया अपना 12 लाख और ये 14,16,000 मेरा यहां पर ही निकलकर आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं मान लेता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कि ये भी आईजीएसटी और ये भी आईजीएसटी, तो पंगा नहीं डालते हैं, ठीक है। तो क्या अब मुझे यहां पर क्रेडिट किस किस चीज का मिलेगा? मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी 1,40,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? यस और नो? कार की वैल्यू 7 लाख, अच्छा 7,15 आएगी, चलो कर लेते हैं, कोई नहीं, 7,15,000, चलो जी इसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। अच्छा, क्या इधर साइड में मेरी आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी भी दिख रही है? हाँ, 2,16,000 की दिख रही है, वेरी गुड। अच्छा, क्या मुझे आईटीसी ऑफ, क्या मुझे आईटीसी ऑफ सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? क्या यह मोटर ड्राइविंग वाले को 75,000 का ये क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, कुछ कह रहे हैं नहीं मिलेगा, सभी ये कह रहे हैं नहीं मिलेगा, पर मैं कह रहा हूं मिलेगा। अब बताओ, मेरी बात को काट के दिखाओ, मैं तो कह रहा हूं मिलेगा। बाबू बात को ट्विस्ट करके देखो जरा, क्यों घुमा के देखो, मैं कह रहा हूं मिलेगा, हाँ मिलेगा। अब अगला, अगर मिलेगा तो प्रॉब्लम क्या है, है ना सर जी? देखो, अगर यहां पर मिलेगा तो ये बताओ आप इसे इस्तेमाल कहां करोगे? क्या सेस का क्रेडिट जीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? आप बताना जरा, क्या सेस का क्रेडिट जीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नो, नेवर यार, एक्ट ही अलग अलग है, जीएसटी एक्ट अलग है, कॉम्पनसेशन सेस एक्ट अलग है, तो यह इस्तेमाल हो नहीं सकता। और यहां आउटपुट में कोई सेस की लायबिलिटी आपकी है नहीं आउटपुट में, तो आप इसका चार डालोगे, मिल भी गया तो। और वैसे भी नेताजी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, बड़ी बात बोल रहा हूं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सरकार भी कहती है कि अगर तुम हमें आउटपुट टैक्स नाम का खून देते हो तभी हम तुम्हें आईटीसी नाम की आजादी देंगे। तुम दे रहे हो तभी तो हम आपको देंगे, आप आउटपुट टैक्स नहीं दे रहे हो तो हम आपको आईटीसी भी नहीं देंगे, सो सिंपल। तो चूंकि यहां आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सेस की है नहीं, इसलिए मुझे यहां पर आईटीसी भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन उठाता हूं आपके लिए, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक बार, इस बार क्या है, इस बार वही जो मोटर कार है उसका शोरूम है, मोटर कार का एक शोरूम है मोटर व्हीकल का, और ये कार खरीदकर यहां पर लेकर आ रहे हैं। कार की वैल्यू वही 5 लाख रुपए की थी, बढ़िया वाली, इसके ऊपर जीएसटी भी लग गया 28% से 1,40,000 रुपए का, इसके ऊपर सेस भी लग गया 15% से 75,000 का, वही क्वेश्चन जो कहते हो आ गया, और ये हो गया अपना 7,15,000 की वैल्यू यहां पर हो जाती है। अब शोरूम वाला अपनी इस कार को आगे सेल कर रहा है, क्या कर रहा है बाबू? सेल कर रहा है। जब कार की सेल करेगा तो बताइए वैल्यू आगे, मान लीजिए 6 लाख रुपए की यहां पर वैल्यू आ जाती है, इसके ऊपर जीएसटी भी लगाया जाएगा 28% से। हाँ सर जी, जब मैं 6 लाख का 28% निकालूंगा तो ये आएगा मेरा 168 यहां पे निकल के ये आ जाता है, ठीक है। क्या इसके ऊपर मुझे सेस भी लगाई जाएगी? जब मैं जब कारों के सप्लाई पर लगता है सेस, तो जब कार में आगे बेच रहा हूं तो सेस लगेगा या नहीं लगेगा? है जी, कार जब आप शोरूम से खरीद के लाओगे तो सेस या डेफिनेटली लगेगा यार, आप बेच रहे हो कार को, कार को बेच रहे हो आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, आप कार की सप्लाई कर रहे हो, आप सर्विस वगैरह नहीं दे रहे हो, यहां पे सेस लगाया जाएगा, वही 15% से सेस लगा दिया जाएगा, और ये आ जाएगा जी आपका 90,000 का यहां पर निकल के आ जाता है। अब मुझे बताइए जरा, क्या यहां पर आपको आईटीसी ऑफ जीएसटी मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर, वो तो मिल जाएगा। क्या अब आपको यहां सेस का क्रेडिट
मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस और नो। हाँ सर, सेस का भी हमें क्रेडिट यहां पर मिल जाएगा क्योंकि हमारी आउटपुट में सेस की लायबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो सेस का क्रेडिट मिल जाएगा 75,000 का, मुझे ये क्रेडिट भी अवेलेबल हो जाएगा। उधर मेरी यहां पर देखा जाए तो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी आ रही होगी। आउटपुट जीएसटी मेरा 168 का यहां पर बनता था, यहां पर मेरा आउटपुट सेस भी निकल के आ रहा है 90,000 का आ रहा है। छोटा सवाल है, क्या 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 ये क्रेडिट सेस का क्रेडिट जीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यस और नो? क्या सेस का क्रेडिट जीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है? नेवर एवर। क्या जीएसटी का क्रेडिट सेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है? साहब दो अलग अलग एक्ट हैं, कैसी बात कर रहे हो, इनका आपस में कोई लिंक किसी प्रकार का नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मुझे आउटपुट जीएसटी अपना पे करना होगा 168 का, तो मैं जो आईटीसी इस्तेमाल करूंगा वो 140 वाला ही इस्तेमाल करके चल सकता हूं और कोई भी नहीं। 28,000 मेरा यहां पर ये बच जाएगा। और जब मैं सेस का पेमेंट करके चलूंगा तो सेस का पेमेंट करने के लिए मुझे सेस का ही क्रेडिट इस्तेमाल करना होगा, 90,000 मेरा ये आ जाता है। और जो मेरी सेस थी, सेस का जो मेरा क्रेडिट बनता था वो 75,000 यहां पर ये मेरा आ गया, और ऐसे करके मैं यहां पर 15,000 रुपए नेट में पेमेंट कर दूंगा। तो कह सकता हूं कि सेस की दुनिया अलग ही है, सेस का क्रेडिट सेस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जीएसटी से क्रेडिट का कोई लेना देना नहीं है। आई थिंक बाबू बात समझ में आ गई होगी। कॉम्पनसेशन सेस कहां कहां लगता है? गाड़ियों पे लगता है, टोबैको पे लगता है, कोल्ड ड्रिंक पे लगता है, ऐसे करके लगभग आपके करीब करीब 50-60 प्रोडक्ट्स हैं जहां पर कॉम्पनसेशन सेस लगता है। पर यह आपको जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर क्वेश्चन आया तो बताया जाएगा कि इसमें सेस है या नहीं है, और अगर है तो वो कितने परसेंट का है वो सब आपको बताया जाएगा। सो डोंट वरी। अमृतसर यहां ध्यान दो बाबू मेरे बच्चा, ठीक है जी। अब क्रेडिट की चर्चा हमारी अच्छी खासी हो चली है, आई थिंक हमने लगभग 52 मिनट्स से हम वही क्रेडिट कॉन्सेप्ट की चर्चा यहां पर कर रहे हैं, और अब आप इस लायक भी हैं कि हम अच्छे से उसकी बात करी भी जा सकती है। सर 28,000 का पेमेंट कैश में होगा? हाँ जी, ये पेमेंट यहां पर कैश में करवा दिया जाएगा। ये जो पेमेंट नेट जो लिख रहा हूं, ये पेमेंट सारे के सारे हमारे कैश में करवाए जाएंगे। ओके सर जी, सेस सेम पर्पज वाला ही होना चाहिए, सेम। हाँ, सेस का मतलब कॉम्पनसेशन सेस। अरे जहां जहां पर सेस का नाम लिखा है, ये सेस का मतलब कोई एजुकेशन सेस नहीं है मेरा, जहां पर भी सेस लिखा है वो कॉम्पनसेशन सेस मतलब है इसका मेरा। कैसी बातें कर गया है करा सकते हैं अबुलेन, करा सकते हैं, शुरू आगे की बातें हैं अभी नहीं। हाँ संबलपुर मैसेज आ रहे हैं, बाबू आगे बढ़ू प्लीज, बोलो ना, बड़ी शिद्दत से हमने काम किया है, मूव ऑन। एसजीएसटी यूटी जीएसटी से यूटिलाइज हो सकता है क्या? नहीं यार, नहीं, नो वे। चलो ठीक है, डन। अब झांक कर देखते हैं मेरी किताब में क्या था। अब किताब की बातें बड़ी आसान आपके लिए हो जाएंगी, वही सारी बातें हैं, इनवर्ड सप्लाई परचेज, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहां पर ये वैल्यू आईजीएसटी, ये इतना आ गया, यूटिलाइज कर लिया ऐसे, लेकिन यूटिलाइजेशन के नियम है अपने, ये आईटीसी है, ये आउटवर्ड टैक्स है, नंबरिंग ऐसे करी थी फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड है ना। इंटरनल बताइए जरा, इंटरनल मैं इनकी नंबरिंग कैसे करके चलूं? जब फर्स्ट पे आता हूं तो एबीसी करते हैं, तो इसमें ये आता है ए पर, है ना, हाँ जी, और बी पर कौन सा आएगा, सीजीएसटी या हाँ सर ये आएगा बी पर, और एसजीएसटी कौन से पर आएगा? एसजीएसटी भी बी पर ही आएगा, है ना, एसजीएसटी भी बी पर ही आएगा, ग्रेट है जी। अच्छा उसके बाद अब जरा इसका बताओ सीजीएसटी का, तो ए ये आएगा और इसमें बी ये आ जाएगा, ठीक है जी। एसजीएसटी का ए ये आ जाएगा और बी पर ये आ जाएगा, तो संपूर्ण क्रक्स आपका यहां पर ये लिखा हुआ है। सर प्लीज नोट करने का टाइम दीजिए, चलो मैं आगे से तो मैं नोट करने का टाइम दिया करूंगा पक्का पक्का, वैसे भी सारे के सारे नोट्स एज इट इज
आपके पहुंच जाते हैं क्लास खत्म होने के तुरंत बाद, ठीक है। अच्छा जी, अबुलेन, ओ अबुलेन, हाँ सर जी, अबुलेन भाई, अब मैं पता, मैं ज्यादा, अबुलेन मेरठ में है, मैं जब मेरठ मेरठ ज्यादा कहता हूं तो मैं पुरानी यादों में चला जाता हूं, वहां से 14 साल पहले की घटनाओं में मैं चला जाता हूं, इसलिए मैं मेरठ नाम कम लेता हूं जी। मोटर ड्राइविंग स्कूल सेल द कार, तो सेस पेबल होगी या नहीं होगी? हाँ जी पेबल हो जाएगी, बिल्कुल पेबल हो जाएगी साहब, चले ठीक है अमृत सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, जूम आउट प्लीज, ये लीजिए। हाँ जी, तो यहां पर बात लिखी हुई है, तो एंट्री हमारी ऐसे हो जाती है, आईटीसी, ये जो हम आईटीसी लेते हैं डेबिट करते हैं इसको बोलते हैं आईटीसी बुक करना, या आईटीसी अवेल करना, या कह लो आईटीसी अलाउड करना। और आगे चल के आप देखेंगे कि आईटीसी बुक करने के लिए कुछ कंडीशंस भी आती हैं, कि अगर ये कंडीशंस पूरी करोगे तो ही हम आपसे बात करके चलेंगे, कुछ कंडीशंस भी आती हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन के टाइप कितने हो सकते हैं? ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है कि खरीदा भी इंटर में, बेचा भी इंटर में, है ना, खरीदा भी इंटर में और बेचा भी इंटर में, खरीदा इंटर में, बेचा इंटर में, खरीदा इंटर में और बेचा इंटर में, चार प्रकार की ट्रांजैक्शन आपकी बन सकती हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो देखो मैंने यहां पे बनाया है, ये इसमें इंटरस्टेट है, ये इंटरस्टेट है, यहां आईजीएसटी, यहां आईजीएसटी, तो बड़ी आसानी से आईजीएसटी आईजीएसटी के लिए सेट ऑफ करवा दिया जाएगा, बाकी पैसा कैश में जाएगा, ठीक है जी। आगे आ जाओ, यहां इंट्रा और यहां इंट्रा, देखो मैंने कुछ गलती कर रखी हो तो उसे ध्यान रखना जरा, मैं ठीक किया कि नहीं किया, तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी, यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी, तो मेरा आउटपुट था 13,500 का, तो मैंने क्या किया कि सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लगा दिया, एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लगा दिया, बाकी पैसा कैश में, है ना। इधर इंट्रा है, इधर इंटर है, इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटर है तो आईजीएसटी। अब बताओ जरा, आउटपुट लायबिलिटी तो मेरी ये है 13,500 की, लेकिन मेरे पास में आईजीएसटी 18,000 का था, अब मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूं? आईजीएसटी मेरे पास 18,000 का था और सामने दिख रहे हैं मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी, तो इस्तेमाल कैसे करें? हाँ हाँ, ओल्ड डीएलएफ कहता है सर जी, अगर सेस का बैलेंस है तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, एनी रेशो, तो मैंने कर लिया, चलो भाई जितना मैक्सिमम यह इस्तेमाल कर लिया, बाकी यहां, तो ये जो है ये इतना जो पोर्शन है ये बदल भी सकता है कि नहीं? आप चाहो तो ये रेशियो चेंज कर सकते हो या नहीं? हाँ सर, ये चेंज कर सकते हैं, चेंज करोगे तो आंसर आपका लगा जाएगा, लेकिन वो आंसर सही होगा। उसके बाद में इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट, ये आ गया, ऐसे ऐसे करके आ गया। इस बार आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी के लिए आप पहले किसको इस्तेमाल करोगे बोलो जी? आईजीएसटी का पेमेंट अगर आपको करना है तो पहले कौन सा क्रेडिट इस्तेमाल किया जाएगा, देखते कौन बताएगा। सीजीएसटी सर, सबसे पहले आईजीएसटी करते हैं, वो है नहीं, फिर सीजीएसटी करते हैं, फिर एसजीएसटी करते हैं, तो मैंने आईटीसी यहां इस्तेमाल कर दिए ऐसे ऐसे करके, और बाकी जो है वो मेरा कैश में आ जाता है। तो क्या ये मैं मान के चलूं इंटर इंट्रा मिंट्रा और पूरा का पूरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इस समय है? आप चाहे तो इसके ऊपर एक एसे लिख सकते हैं, एक पूरा 2-3 पेज की थ्योरी आप लिख सकते हैं जी। सर आउटपुट टैक्स क्या है प्लीज थोड़ा बताइए। प्रयागराज आपसे विनती है, आपने आज पहली क्लास ज्वाइन करी है बाबू, मेरी बात मान जा, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, पहली 2 क्लास जरूर देख ले, उसके बाद तब बात करना, मैंने बड़ी आसानी से सारी चीजें पहले से बता रखी। आउटपुट टैक्स वो जो आप अपनी आगे सप्लाई कर रहे हैं उस पर जो आपका टैक्स बनता है। हाँ वही तो पलवल, वही तो पलवल, ठीक कह रहे हो आप पलवल, यू आर राइट। चलो आगे बढ़ते हैं जी, और आगे अब तो खत्म चैप्टर, फाइनली अभी थ्योरी आ गई प्लेन थ्योरी, अब इसमें मेरा कोई काम नहीं है, फाइनली कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी बेस्ड ऑन, यहां कुछ मुझे बोलना नहीं है, ये एक वैल्यू एडिड टैक्स है, एग्रीड और नॉट? जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, इंट्रोडक्शन खत्म होने वाला, फटाफट जवाब दो, अब रिलैक्स हो सकते हो, आपकी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन नहीं है, थ्योरी चल रही है अब। हाँ जी, वैल्यू एडिड टैक्स है, जो जितनी वैल्यू एड करता है उतने पर उसे
टैक्स जमा करना पड़ जाता है। और वैल्यू एडेड कैसे है, आउटपुट में से इनपुट घटा रहे हो, यह सिद्ध करता है कि यह वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है पाली, उसके बाद में आगे आ जाओ। क्या यहां पर कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट चलती है, यस और नो? यस, मैंने एग्जांपल दिया था आपका वो जो फिनोलेक्स वाला था कि यहां से यहां गया तो जितना इसने पे किया उतना यहां आईटीसी मिल गया, फिर यहां इसका यहां आईटीसी मिल गया, तो कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट यहां पर चलती है माय डियर, और शायद इसी कारण से यहां पर कास्केडिंग इफेक्ट्स नहीं आते हैं। ओके, कोई कास्केडिंग नहीं है, नो कास्केडिंग एट ऑल, और कोई और जो बर्डन होता है वो पड़ता है अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर। ये बात हमारी कई बार आपसे हो चुकी है, इवन पहली क्लास से हमारी बात होती चली आ रही है। यहां पर कुछ प्री और पोस्ट की मैंने बात करी है, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, जीके के लिए है, बस देखने के लिए है, बाकी आपको ये एग्जाम पर्पज के लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अरे लाल कोठी, पीछे घसीटते हो ना, ये बड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन तीन में 13500 क्यों लिखा है, और क्या लिखूं तू बता, और क्या लिखूं बता, क्वेश्चन तीन में 13500 ना लिखूं तो और क्या लिखूं, ये रहा आउटपुट जी, 13500 ये रहा, 13500 ये रहा, वही मैंने यहां पे लिख दिया है। चलो लाल कोठी के लिख, मुझे कुछ याद आया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। जय हो लाल कोठी। तो ये बता रखा कि भाई पुराने टैक्स कौन कौन से थे, एक्साइज ड्यूटी थी, वैट था, सीएसटी था, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, परचेस टैक्स, ये वो, कुछ काउंटरवेलिंग ड्यूटी हुआ करती थी। दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए है। टैक्स ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरीज, लग्जरी टैक्स ऑन होटल्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कई अलग अलग प्रकार के सेस हुआ करते थे, एसबीसी, दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। ये क्या था, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ऑटोमोबाइल सेस, दिमाग नहीं मारना, बस ऐसे देखने के लिए है। ये सब आपके खत्म हो गए और ये समाहित हो गए, समा गए आपके जीएसटी के अंदर आकर। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे भी हैं जो कि आपके जीएसटी के अंदर नहीं समाए, जिसमें आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, ये होती है आपकी इंपोर्ट ड्यूटी जो कस्टम पे लगती है, आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो आज भी जिंदा है, ये जीएसटी में नहीं आई। इन दोनों को मिलाकर मैं बोल सकता हूं कस्टम ड्यूटी के नाम से इसको हम बुला सकते हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं आई। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवीड बाय लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज कौन होती हैं, लोकल बॉडीज कौन सी होती हैं जी? लोकल बॉडीज सर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो हो गई सर, जो नगर पालिका हो गई यार, म्युनिसिपैलिटी जो हो गई वो लोकल बॉडीज हैं। तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज लगाती हैं वो तो लगता रहेगा, लेकिन जो टैक्स लगाया था स्टेट ने वो खत्म हो गया। जरा गौर फरमाइएगा ऐसा क्यों, अरे पूछा करो क्यों, स्टेट का जो स्टेट के द्वारा लगाया जाता था एंटरटेनमेंट टैक्स वो तो खत्म, लेकिन लोकल बॉडीज का खत्म नहीं हुआ है। रीजन क्या है, जब जीएसटी आया था तो ये चर्चा किन किन के बीच में हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज को यहां पार्टिसिपेट नहीं करवाया गया था। लोकल अथॉरिटीज का जीएसटी से कोई वास्ता नहीं है, इसका कोई भी टैक्स सब्स्यूम्ड नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब ही नहीं है, वो तो जैसे पहले भी था आज भी चलता रहा है। हाँ, चूंकि स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे जीएसटी के डिडक्शन में, इसको लाने में, इसलिए उसने अपना छोड़ दिया, यहां पर नहीं आया है वैसे करके। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स, ये आज भी जिंदा है, ये आज भी कंटिन्यू अपने कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमारी बात करी जाती है, तो कुछ खत्म हो गए और कुछ अपने रह गए हैं माय डियर। ठीक है जी, तो ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए था, दिमाग नहीं मानना बिल्कुल, पढ़ लिया एक बार छोड़ देना, दोबारा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये भी आज जिंदा है, ये भी आपके खत्म नहीं हुए हैं। अब आपके लिए अगर सवाल आ जाए मुझे बता दो करनाल, मुझे एक बात बताओ जरा, स्टैंप ड्यूटी क्या होता है, सीवीडी क्या होता है? देखो मैं मना कर रहा हूं, रहन तो मत घुसो इसमें, कि मानोगे नहीं, सीवीडी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी,
आप पूछोगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये होती है, अब सुन लो मेरी बात, जब पूछोगे तो फिर समय देना पड़ेगा आपको, सुनो। जब हम इंडिया के बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और वो इंडियन मार्केट में यहां पर वो चीज आ जाती है, वैसी ही चीज इंडियन मार्केट में, इंडिया में बनकर यहां पहुंचती है, तो जब तक जीएसटी नहीं आया था तो यहां पर इसके ऊपर लगती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एग्रीड और नॉट? हाँ जी, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। लेकिन जो गुड्स बाहर से आ रहे थे क्या उनके ऊपर भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी? द आंसर इज नो, नहीं लगती थी। बिल्कुल ठीक बात। तो इसका विरोध किया डोमेस्टिक इंडस्ट्री वालों ने कि यार ये क्या तरीका है, मतलब हमारे जो देसी पे ड्यूटी लगा रहे हो, विदेशी पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा रहे हो। इसका फर्क यह होगा कि देसी प्रोडक्ट होगा महंगा और विदेशी होगा सस्ता। एकदम ठीक है। और जब देसी महंगा होगा तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले, विदेशी लोग खरीदेंगे। और जब विदेशी खरीदेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जो देश में फैक्ट्री है, वो तो बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए आप विदेशी गुड्स को भी महंगा करो, उसके ऊपर भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाओ। अब गवर्नमेंट ने सोचा यार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, तो हम ये कैसे लगा दें कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, जितनी अगर 10% से हमारे यहां पे ड्यूटी लग रही है तो उनके ऊपर भी 10% की ड्यूटी लगनी चाहिए। ये जिद पकड़ के बैठ गए, तभी पैरिटी मेंटेन होगी, तभी हमें समानता का भाव फील होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है काम करते हैं हम, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को कवर करने के लिए, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए यहां पर लगा देते हैं एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या नाम दिया? काउंटर वेलिंग ड्यूटी यहां पर लगा दी, जिसे शॉर्ट में बोला गया CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और यह कितनी लगाई जाती है? जितना इंडिया के अंदर एक्साइज ड्यूटी का रेट था उतने ही परसेंट से यह काउंटर वेलिंग ड्यूटी यहां लगाई जाती थी। अब मुझे बताइए, चूंकि इंडिया में से एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है तो ऑटोमेटिकली ये CVD भी खत्म हो गई होगी या नहीं हुई होगी? हाँ बोलो, हाँ हाँ सर जी, इसको भी खत्म होना पड़ेगा। तो इधर से ये खत्म और वहां से ये खत्म हो गई है जी। ठीक है जी। सर ये मंडी टैक्स, हाउस टैक्स क्यों लग रहे हैं? कुछ चीजें हैं जो लोकल अथॉरिटी लेवल की हैं, वो आपकी लगती रहेंगी क्योंकि उसमें उनका पार्टिसिपेशन GST में था ही नहीं। ठीक है, ओके। संदीप ये स्टिकर हटाओ जरा यहां से, उसके बाद आगे बढ़ जाऊं। बाबू मैं आगे बढ़ जाऊं प्लीज। अरे यार, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है सर जी? मानोगे नहीं तुम, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो हमारी, जैसे माता रानी के कितने रूप में, चलो बताओ, माता रानी के कितने रूप हैं? 9 रूप हैं। नाम गिनवाओ, नाम गिनवाओ, नाम। हाँ फरीदाबाद, सर वैष्णो देवी, काली माँ, माँ संतोषी, ज्वाला माँ, ऐसे करके है। तो ऐसे ही इंपोर्ट ड्यूटी के भी अलग अलग रूप हैं, इंपोर्ट ड्यूटी के भी अलग अलग रूप हैं, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, ऐसे करके इसके भी 9 रूप हैं, वो यहां बताया जा रहा है। ठीक है, अब ठीक है आगे बढ़ जाऊं। हाँ जी, हाँ चुरू, क्योंकि लाल कोठी उसमें CGST SGST दोनों के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी क्या है जी? अब सुन लो, तो मेरी बात सुन लो, छोड़ो ये टुकड़ों में कुछ करने से कोई फायदा नहीं है, अब सुन लो हमारी बात। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब सारा सुन लो, अब चुप चुप चुप, एकदम चुप, मैं सारा बता रहा हूं। ये बेसिक कस्टम ड्यूटी समझ में आ गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है ये भी सुन लो जरा, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, मैंने मना किया था पर आप नहीं मान रहे तो सुनो। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बन के कस्टमर तक पहुंचता है, 100 रुपीज का, ठीक है, लेकिन विदेशी लोग क्या कर रहे हैं, जानबूझकर कम दामों में अपने प्रोडक्ट को इंडिया में भेज रहे हैं। अगर वो उनका प्रोडक्ट 100 रुपए का बनता था
तो उसमें उन्होंने प्राइस डंप कर दिया, 30 रुपए क्या कर दिए, डंप कर दिया, प्राइस गिरा दिया, लॉस उठा रहे हैं। 70 का करके इंडियन मार्केट में यहां 70 का भेज दिया। कोई ऐसा क्यों करता है, लॉस क्यों उठा रहा है? उसको लगता है कि आज अगर मैं कम दामों पर निकालूं तो वहां पर मैं अपनी मार्केट बना पाऊंगा, और एक बार जब अपनी मार्केट बन जाएगी तो भविष्य में खूब सारा प्रॉफिट में कमाऊंगा। तो जब ये हरकतें करते हैं तो बताइए हम इंडियन कौन सा खरीदेंगे, जब वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी, वही सफेदी, वही झाग, तो कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले, हम भी सस्ता वाला ही परचेज करके चलेंगे। इसलिए यहां पर बाबूजी लोग इसकी तरफ मूव करने लग गए। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले परेशान हुए कि यार ये क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वालों ने कहा कि हे सरकार, ये जो डंपिंग करके हमारी एस्तैसी कर रहा है, इसका कुछ इलाज निकालो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगा देते हैं, एडिशनल ड्यूटी लगा देते हैं, जिसको नाम दिया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग के इफेक्ट को खत्म करने के लिए 30 रुपए की लगा दी एंटी डंपिंग ड्यूटी, और अब यहां पर समानता और बराबर का भाव दे दिया। इट इज अ काइंड ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। पहले बोलो ओके। ठीक, ओके सर जी, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाओ, अगला पॉइंट था यहां पर सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। अब ये क्या बवाल है, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल? नाम से हालांकि आपको पता लग रहा होगा कि यह इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट बनके यहां पहुंचता है इंडियन मार्केट में 100 रुपए का, लेकिन विदेशी प्रोडक्ट वैसे तो 100 रुपए का ही पहुंचता, लेकिन वहां की सरकार ने उस बंदे को सब्सिडी दे दी कि अगर तुम इंडिया के लिए एक्सपोर्ट करोगे तो हम 20 रुपए की आपको सब्सिडी दे देंगे, जिसके चलते हुए वो 80 रुपए का इंडिया में आ रहा है। अब यह इंडियन जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाले थे, उन्होंने कहा कि साहब वो तो 80 में आ रहा है, हमारा प्रोडक्ट 100 का है, तो हमारे प्रोडक्ट को कोई भी नहीं खरीदेगा, वो सब्सिडी की वजह से जो प्राइस कम कर रहे हैं, आप उसको कुछ समाधान करो। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसी की तैसी, हम इसके ऊपर एक अतिरिक्त ड्यूटी लगा देते हैं। सीवीडी वर्ड का मतलब होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी, काउंटरवेल करना, कॉम्पनसेट करना। यहां किस चीज को कॉम्पनसेट किया जा रहा है, यहां पर सब्सिडी को कॉम्पनसेट किया जा रहा है। तो ड्यूटी लगा दी सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल के नाम से एक ड्यूटी लगा दी 20 रुपए की, और इसको समानता का भाव यहां पर दे दिया। बोलो ओके, ठीक है पाली, बोलो ओके, बोलो बोलो बोलो, हाँ जी ठीक है, तो ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आगे चलो, आगे है आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी, आप जानते ही हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स कोई दिक्कत नहीं है जी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और टैक्स। आप अपने बिजली का बिल देखिएगा, उसमें आज भी आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगी हुई मिलेगी। जीएसटी आया, पर यह तो स्टेट लेवल का टैक्स होता है, इसकी कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करके चलती है, तो ये जीएसटी में सबस्यूम्ड क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है? मैं बताऊं, स्टेट गवर्नमेंट का इससे भारी भरकम रेवेन्यू आता है, स्टेट गवर्नमेंट को इससे भारी भरकम रेवेन्यू आता है। जब जीएसटी का विचार रखा गया था और यह कहा गया था कि भाई साहब स्टेट तुम अपने टैक्सेस छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम अपने टैक्सेस छोड़ो, तो स्टेट ने साफ मना कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज अवर मेजर रेवेन्यू सोर्स, तुम जीएसटी लाओ मत लाओ, इसे हम नहीं छोड़ने वाले, ये हमारे पास रहेगा और चलता रहेगा, इसे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए जीएसटी के आने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आज भी कायम है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेजर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आगे है आपकी स्टैंप ड्यूटी, इसमें भी लॉजिक सेम है। जब आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हो, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, तो जब रजिस्ट्री करवाते हो तो वहां पर 7-8% के स्टैंप पेपर खरीदने होते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है। बड़ा मोटा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे जीएसटी के चक्कर में हमारी एस्तैसी हो जाएगी, हम ये वाला रेवेन्यू अपना एक्सक्लूसिव ही रखेंगे, इसे हम नहीं छोड़ेंगे, जीएसटी लाओ या मत लाओ। गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तथास्तु, ये भी चलता रहेगा। और सेम सिनेरियो आपका इनके ऊपर भी यही था, प्रॉपर्टी, इन्होंने कुछ टैक्स अपने बचा लिए स्टेट ने कि भाई ये हम अपने पास में रख के चलेंगे, बाकी को छोड़ देते हैं, जैसे वैट छोड़ देते हैं, सीएसटी छोड़ देते हैं, और इस प्रकार के छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ को बचा लिए कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, अगर इनको छोड़ा तो फिर हम घाटे में जाएंगे और हम वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की बातें यहां पर आ रही थी जी। ठीक है जी, आगे बढ़े बाबू जी।
अच्छा जी, अब एक तर्क बच्चा यहाँ पर दे रहा है, क्या बात है यार, तर्क पे तर्क आ रहे हैं। बच्चा कहता है कि सर अगर मान लीजिए इनको अगर वो छोड़ भी देते तो नुकसान कौन सा था, छोड़ भी देते और इनको छोड़ने से अगर मान लीजिए स्टेट का घाटा हो जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कहा है कि हम आपको कॉम्पनसेट कर देंगे, घाटा नहीं होने देंगे, तो फिर क्या आफत थी। हाँ, आफत यह थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो घाटा पूरा करने की बात करी है वो सिर्फ 5 सालों के लिए करी है, 5 साल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता।